कैसे आप वैक्सीनेशन के लिए आप तत्पर और तैयार होकर करके रात दिन जो कहते हैं एक कर करके आप काम करने का काम कर रही है। हमें सारण वासियों को भी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी यह वैक्सीन जो पड़ रहा है 60 प्लस के लोगों को भी, और ये नीचे के जो लोग हैं उम्र के, उनको कुछ रोग चिन्हित किए गए हैं, उन रोग के दायरे में अगर आते हैं तो उनको यह वैक्सीन देने के लिए स्वीकृति आज मिली है। इसमें सबको चूंकि अब पढ़ना है, वैक्सीन सबको पढ़ना है, इसलिए किसी को बहुत अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जब आपकी पारी आती है तो आकर के आप वैक्सीन लीजिए। मैं ऐसे सारण वासियों को भी मैं हृदय से और सम्मान के साथ मैं निवेदन करूँगा, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री जी को बधाई इसलिए भी करूँगा कि उन्होंने चुनाव के समय भी उन्होंने अपने मंचों से वह इस बात को मैंने कहा था कि जब ये भारत में वैक्सीन जब आएगी तो बिहार के लोगों को हम मुफ्त वैक्सीन दिलवाने का काम करेंगे। तो आज उस अपने बात पर अडिग हैं और उस बात के साथ वह पूरा लोगों को यहाँ बिहार में वैक्सीन पड़ने का काम शुरू हो गया है। यहाँ तक कि प्राइवेट नर्सिंग होमों को भी जो अलाउ किया गया है वैक्सीन देने के लिए, वहाँ भी पैसे नहीं लग रहे हैं, मैंने मुफ्त में सारे लोगों को बिहार वासियों को वैक्सीन पड़ रहा है और सबको पड़ेगा। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्ण रूपेण अडिग होकर के उस काम को करने का काम कर रही है। मैं आज अपने वैक्सीन लेकर के एक अलग अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक सुरक्षा का कवच, एक विश्वास का एक बहुत बड़ा मैंने भाव और जागृत हो रहा है इससे कि हमने वैक्सीन ले लिया।